हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले पीटीसी इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में देखिए तो आज के दिन 20 पैसे के करीबन की गिरावट देखने को मिल रही है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स में चले तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 1.5% के करीबन गिरावट देखने को मिली है, तो एक महीने में इस स्टॉक में 1% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। 3 महीने में इस स्टॉक में 12% की गिरावट देखने को मिली है, तो 6 महीने में 22% की तेजी देखने को मिल रही है, और 1 साल में देखें तो इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 3% के करीब की गिरावट देखने को मिली है। तो 1 साल के अंदर तो इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, पर 6 महीने में देखें तो इस स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर हम इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस स्टॉक में कुछ इस जैसा कि अगर हम इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में 150 रुपीज का एक हाई बनता हुआ नजर आया, और इस स्टॉक में हाई लगने के बाद ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जहां पर इस स्टॉक का देखें तो नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिला है 85 रुपीज। 85 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से आप इस स्टॉक में देखें तो एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 85 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 120 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 90 रुपीज के एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 99 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।